दोस्तों, रात के आसमान को जब हम सर उठाकर देखते हैं तो हम अनगिनत तारों की दुनिया को देखते हैं। धरती के सभी बीच पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस धरती पर रहने वाले हम इंसानों की औकात ब्रह्मांड से भी ज्यादा है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये है हम सब, और ये है हमारी पृथ्वी, और ये है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, जिसके सामने हम एक चींटी के बराबर भी नहीं। ये है सीरियस ए, जो हमारे सूर्य से 2 गुना बड़ा है। ये है पोलक स्टार, जिसमें सूर्य जैसे 600 तारे समा जाएंगे, और ये है आर्कट्रस, जिसमें 17,000 सूर्य समा सकते हैं, और इसका बाप ये है वीवाई कैनस मिजोरस, और इससे भी बड़ा है स्टीफेनसन 218, जो 2 अरब किलोमीटर जितनी जगह घेरता है। सूरज इसके सामने माँ के पेट में पल रहा बच्चा है। ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन तारे क्वाइसिस स्टार है, जो 10 अरब किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इनमें सूर्य जैसे 3.5 खरब तारे समा सकते हैं। ये है TON 618 ब्लैक होल्स, इसमें 60,000 क्वाइसिस स्टार समा सकते हैं। सूरज को इसके आर पार जाने में 50 साल लग जाएंगे। सूर्य 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इससे भी बड़ा है ARP मेडोर 1 ग्लोबियल क्लस्टर, जो 1 लाख सितारों का घर है। इससे बड़ा है आउट क्लाउड, जिसे पार करने में प्रकाश को 1 साल लग जाएंगे। इससे आगे चलने पर हम ब्रह्मांड की ओर बड़ी संरचनाएं देख सकते हैं, जैसे कि बबल नेबुला, मेसियर 71। इस तरह हमें आगे चलने पर ओमेगा सेंटुरी, स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड, लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड, और फिर सुंदरता की देवी सोम्ब्रेरो गैलेक्सी और ट्रेंगुलम गैलेक्सी, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिससे बड़ा है होग ऑब्जेक्ट, और फिर हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, और इस तरह कई गैलेक्सी मिलकर बनाती हैं गैलेक्टिक क्लस्टर को, जहां आकर हमें सूर्य का नामो निशान भी नहीं दिखता। इन खरबों गैलेक्सीज में घूमते हुए अगर सूर्य खत्म भी हो जाए तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर हम अपने समूचे ब्रह्मांड को देखें तो उसमें ऐसी 200 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनके अंदर खरबों सूर्य तैर रही हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की विशालता के इस क्विक एंड फास्ट ट्रेलर को देखकर आप छोटा फील करने लगे हैं। यहां आकर हमें लगता है कि ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं, हम ब्रह्मांड में कोई औकात नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, हैसियत की बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तक हमने खुद से बाहर का सफर किया है, लेकिन अब समय है खुद के अंदर जाने का। दोस्तों, अब आप पृथ्वी पर आ चुके हो। ये है एक इंसान जिसकी औसत हाइट है 6 फीट। एक इंसान की शरीर के बाल की साइज है 100 माइक्रोमीटर, जो हमसे हजारों गुना छोटे हैं। बाल को बनाने वाली कोशिकाओं की साइज 10 माइक्रोमीटर है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं की संख्या 37 अरब है, यानी आप सब इतने विशाल हैं कि आप सब में 37 अरब कोशिकाएं रहती हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इनमें से 10 लाख कोशिकाएं हर सेकंड खत्म हो जाती हैं, और हर सेकंड 40 लाख नई कोशिकाएं होती हैं। अगर हम बात करें वायरस की, तो एक वायरस 100 नैनोमीटर की साइज का होता है। कोरोना वायरस भी लगभग इसी साइज का था, यानी 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े किए जाएं, तब जो साइज होगी वह एक वायरस की साइज होगी। हमारे शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के लिए हम एक ब्रह्मांड हैं। इससे आगे चलने पर कोशिकाओं में पाए जाने वाले हमारे DNA की साइज 2 नैनोमीटर होती है। ये हमसे अरबों गुना छोटा है। हमारे शरीर में DNA जैसी लाखों अलग अलग सूक्ष्म संरचना है, जैसे RNA, जीन्स, क्रोमोसोम्स, जो करोड़ों की संख्या में शरीर में मौजूद हैं। ये सब RNA, DNA कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसमें कई एटम्स यानी परमाणु होते हैं। हमारे शरीर में कार्बन, कैल्शियम जैसे परमाणु अधिक पाए जाते हैं। हम सब कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब हम अपने शरीर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल से आगे एटॉमिक लेवल तक पहुंच चुके हैं। एक हाइड्रोजन एटम 50 पिकोमीटर की साइज का होता है। ये एक कोशिका से 1 लाख गुना छोटा होता है। एक सुई की नोक के ऊपर 1 करोड़ हाइड्रोजन एटम्स फिट हो सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में सभी परमाणुओं की संख्या 7 अरब अरब है। हमारे इंसानी शरीर में हर सेकंड अरबों प्रोसेस चल रहे हैं। अरबों एटॉमिक बॉन्ड टूट रहे हैं और एनर्जी पैदा कर रहे हैं। अगर हम एटम के भी आगे चलें तो हम पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के पास, परमाणु का केंद्र, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है।
इनकी साइज काफी छोटी होती है, यानी इसे एक फेमटोमीटर में मापा जाता है। यह एक एटम से भी 1,00,000 गुना छोटा होते हैं। दोस्तों, अब हम क्वांटम दुनिया में पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियस से भी 1,000 गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों, हम एक इलेक्ट्रॉन से उतने बड़े हैं जितना मिल्की वे आकाश गंगा हमसे बड़ी है। यहाँ आकर आप सोच लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितने बड़े हैं। अगर हम क्वांटम दुनिया में और आगे जाएं, तो हमें मिलते हैं कॉप। ये इलेक्ट्रॉन से 10 गुना छोटे होते हैं। दोस्तों, इससे आगे क्या है ये अभी तक साइंस ने नहीं पता किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा यूनिवर्स स्ट्रिंग से बना हो सकता है। अगर ऐसा है तो एक स्ट्रिंग जितनी छोटी होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्वार्क से भी खरबों गुना छोटी होगी। ये स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग एंटिटी है। अगर एक एटम को फैलाकर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा कर दिया जाए, तब उसमें मौजूद एक पेड़ की साइज एक स्ट्रिंग जितनी होगी। यानी स्ट्रिंग एक एटम से भी खरबों गुना छोटी है। ऐसे में एक स्ट्रिंग के सामने हम और आप पूरे ब्रह्मांड जितने बड़े हैं। तो दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड साइज में कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन हम खुद अपने आप में चलते फिरते ब्रह्मांड हैं। हमारे अंदर भी करोड़ों चीजें मौजूद हैं। हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं से भी ज्यादा जीव यानी बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते हैं। यानी हमारे अंदर 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं और किराया भी नहीं देते। न सिर्फ हमारे अंदर बल्कि एक चींटी के अंदर भी लाखों बैक्टीरिया रहते हैं। छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ब्रह्मांड के सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारी औकात ब्रह्मांड से ज्यादा है। तो दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड हमसे कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन ये इतना ब्रह्मांड खुद को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वही हम इंसान खुद को महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है। हम न सिर्फ खुद को महसूस करते हैं और जानते हैं, बल्कि हम इस ब्रह्मांड को भी जान सकते हैं जो खुद को नहीं जानता। हमारे अंदर मौजूद हमारी कॉन्शियसनेस हमें ब्रह्मांड से अलग करती है। दोस्तों, कॉन्शियसनेस का मतलब आत्मा नहीं, बल्कि वो चीज जो हमें एक निर्जीव वस्तु से अलग कर। ब्रह्मांड चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन हम इंसान इतने छोटे होने के बावजूद अपने दिमाग से धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। जहाँ पहले हम एक आइलैंड तक ही सीमित थे, फिर हमने नए आइलैंड्स की खोज की। जमीन से उठकर हम हवा में उड़ने लगे। आसमान को चीरते हुए हमने चांद पर कदम रखा। ये हम इंसानों का पहला कॉस्मिक कदम था। आज हम इंसानों की आँखें पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। 14 अरब साल पहले आखिर क्या हुआ और कैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हम जान पा रहे हैं। अपने दिमाग की ताकत से हम इंसान धीरे धीरे अपनी ताकत को पहचान पा रहे हैं। और न जाने हमारे अंदर और कितनी ताकतें छुपी हैं जिनसे हम अनजान हैं, और व्यर्थ ही हम खुद को ब्रह्मांड के सामने छोटा महसूस कर रहे हैं। हम इंसान एक ऐसी पावरफुल मशीन बना सकते हैं जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं, जिससे हम सूर्य को ही घेर कर उसकी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुकाम को हासिल करने पर हम अपने दूसरे मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं, जहां हम पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को इस्तेमाल करके Type 2 सिविलाइजेशन में तब्दील हो सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर पूरी गैलेक्सी में फैल सकते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड किस लिए है, इसके सामने हम कुछ नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि ये हमारे लिए ही हो, ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी गैलेक्सी में फैला दें और फिर गैलेक्सी से आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा दें। भले ही हम साइज में छोटे हों, लेकिन हमारे पास ताकत है खुद को बढ़ाने की, फैलाने की। ऐसा करके हम अपनी कॉन्शियसनेस को पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे। तब भले ही हमारा सौर मंडल खत्म हो जाए, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस जो हर ग्रह हर गैलेक्सी में होगी, वो कहीं ना कहीं जिंदा होगी। उसे खत्म नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, कुछ तो बात है हम इंसानों में जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है। कॉन्शियसनेस के अलावा एक चीज जो हमें बिल्कुल यूनिक बनाती है, वो है हमारा ब्रेन। बाकी सभी जानवर में कॉन्शियसनेस है, लेकिन वे अपनी कॉन्शियसनेस को समझने के लिए वो दिमाग नहीं रखते जो हम इंसानों के पास। इस दिमाग की वजह से हमने दुनिया को बदल कर रख दिया है। अंधेरे में बसने वाली दुनिया को रोशन करने वाला हमारा दिमाग ही है। पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने वाला हमारा दिमाग ही है। हमारा ब्रेन हमें एक ऐसी पावर देता है जिससे हम इस अनंत ब्रह्मांड को जान सकते हैं। इसलिए हम इंसानों के पास कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी दो ऐसी चीज है जो हमें ब्रह्मांड से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, जो इस अनंत खाली ब्रह्मांड को एक मकसद देती है कि वो खाली ना रहे। हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर उसके खालीपन को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा। हमें साइंटिफिक टेम्परमेंट को अपनाना होगा। अपनी
क्यूरियोसिटी से यूनिवर्स को समझकर कॉन्शियसनेस को पृथ्वी से आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, जिन बड़े बड़े सितारों और गैलेक्सीज को हमने देखा, वो इंतजार कर रही है कि हम इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ भी पहुँचा सके, हम ब्रह्मांड के खालीपन को दूर कर सके। वैज्ञानिक आज कॉन्शियसनेस को भी समझने की कोशिश में लगे हैं। वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कॉन्शियसनेस को समझने के बाद हम ब्रह्मांड में अपनी हैसियत अधिक पाएंगे या हम इसे भी बढ़ा पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।